क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि कोई बंदा इतना ज्यादा पैसा कमा सकता है कि ठंड से बचने के लिए वो पैसे जला सकता है? और मैं छोटे मोटे पैसों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं $2 million जलाने की। साल था 1992, इंटरनेशनल ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार पुलिस से बच के भाग रहे थे और उस दौरान वो अपने फैमिली के साथ एक जंगल में स्टक हो जाते हैं। विंटर का सीजन था और पाब्लो एस्कोबार की जो बेटी है उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लग रहा था। और इसके बाद पाब्लो ने क्या किया एग्जैक्टली, उन्होंने अपने बैग से $2 million निकाले एंड ही सेट ऑल द मनी ऑन फायर। डॉलर जला देगा भाई तेरा पाब्लो, मुंह फाड़ने खुला हराया था, बुल्ला चुसाया था उसे। बने ये कैसे पाब्लो जब इसको बार नहीं आ रहे, करा था मैंने खात्मा, अब मारू इसकी आत्मा। खूबसूरती रखो तुम, ऐसी चीजें मेरे काम की नहीं। और अगर हम हिप हॉप की बात करें तो हिप हॉप में भी ये जो नाम है पाब्लो ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। चाहे तुम नेम ड्रॉप की बात कर लो या फिर गानों की बात कर लो, हमें बहुत बार पाब्लो वर्ड सुनने को मिला है। पाब्लो एस्कोबार पे बनी हुई नेटफ्लिक्स पे एक बहुत ही पॉपुलर वेब सीरीज है जिसका नाम है नार्कोस, और तुम में से बहुत सारे लोग ने वो वेब सीरीज ऑलरेडी देख लिया होगा, और जिन लोगों ने देखा होगा वो पाब्लो के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे। Imagine you were born in a poor family, in a poor country, and by the time you were 28 years old, you have so much money you can't even count it. So if by chance you don't know who is Pablo Escobar, this video is for you. और अगर तुम जानते हो पाब्लो एस्कोबार के बारे में, तुमने नार्कोस देख रखा है, डॉक्यूमेंट्रीज देख रखी है, बट स्टिल तुम्हें इस वीडियो में कुछ ऐसे फैक्ट्स मिलने वाले हैं पाब्लो एस्कोबार के बारे में जिसके बारे में तुम्हें शायद पता ना हो, तो तुम भी ये वीडियो एंजॉय करने वाले हो। सो पाब्लो एस्कोबार को हिस्ट्री का सबसे बड़ा माफिया बुलाया जाता है, एक पूरी की पूरी पनडुब्बी, एक पूरा का पूरा आइलैंड, यहां तक कि एक पूरे कंट्री के गवर्नमेंट को पाब्लो ने खरीद लिया था। ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट पाब्लो एस्कोबार, वन ऑफ द बिगेस्ट माफिया एवर बॉर्न इन दिस वर्ल्ड। पाब्लो जो है वो हिप हॉप में इतना ज्यादा क्यों फेमस है, और सिर्फ हिप हॉप में नहीं पूरे वर्ल्ड में इतना ज्यादा क्यों फेमस है, एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया था, उनकी स्टोरी क्या थी, यू विल नो ऑल द थिंग्स इन दिस वीडियो। सो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर, तुम उसको सीख के जाओगे, एंटरटेन होके जाओगे इस वीडियो से। और जैसा मैंने बोला था कि बीच बीच में मैं थोड़ा हिप हॉप कॉन्टेंट से थोड़ा हट के भी कॉन्टेंट डाला करूंगा, हफ्ते में एक दो कॉन्टेंट आएंगे, ज्यादा नहीं। सो ये वही कॉन्टेंट है, सो वीडियो को लास्ट से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। देखो सुनो इतिहास भविष्य विश्व जैसे जीवन, ये मन घमंड अमन चाहता पागलपन, आगमन करो खत्म हत्यारे प्यारे, बता रहे अपने लुटेरे सपने टूटेरे सारे, क्यों रुचि ना किसी की देश में, असुर मंत्री के भेस में, ठेस पे ठेस से। आर्टिस्ट है रास्ता मस्तान, गाने का नाम है मियां भाई, बहुत ही बढ़िया ट्रैक हमें भाई के साइड से देखने को मिला है, लिरिकल ट्रैक है, बहुत बढ़िया मैसेज है गाने में, ओवरऑल गाना बहुत सही है। सो मैंने इस गाने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना और भाई कमेंट में जाकर ड्रॉप कर देना तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो, रैप बॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है। वीडियो बहुत अच्छी है, गाने का थीम बहुत अच्छा है, ओवरऑल पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। हम बात करें म्यूजिक की, अगर हम बात करें रैपिंग की, टॉपिक की, बहुत सही काम है। सो जाओ और भाई को सपोर्ट करो, भाई सपोर्ट डिजर्व करते हैं। आज से दो डिकेड पहले पाब्लो एस्कोबार पूरी दुनिया में राज किया करते थे, वो आज तक के दुनिया के सबसे अमीर और डेडली ड्रग माफिया थे, जिनको 2 दिसंबर 1993 में इनकाउंटर में मार दिया गया। एक टाइम पे पाब्लो एस्कोबार दुनिया के 7वें सबसे अमीर आदमी बन गए थे ड्रग स्मगलिंग करके। सो पाब्लो के डेथ को अप्रॉक्स 22 साल हो चुके हैं एंड स्टिल ही इज अमंग वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पर्सन इन द वर्ल्ड। पाब्लो एस्कोबार के पास इतना पैसा था कि उन्हें गड्ढे कोड़ के पैसे गाड़ने पड़ते थे, और ये भी बताया जाता है कि उनके डेथ के बाद बहुत सारे लोगों ने उनके छुपाए गए पैसे, उनके जमीन में गाड़े हुए पैसे डिस्कवर भी किए हैं। पाब्लो को अप्रॉक्स 4,000 से 5,000 डेथ के पीछे रिस्पॉन्सिबल भी बताया जाता है। पाब्लो के भाई रोबर्टो ने एक इंटरव्यू में ये बताया है कि जब पाब्लो का मुनाफा अप्रॉक्स 1,00,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, उस टाइम पे उनके गोडाउन में रखे इन पैसों का 10% हिस्सा चूहे खा जाते थे। अप्रॉक्स 2,00,000 रुपए पाब्लो हर महीने नोटों की गड्डी बांधने के लिए रबर बैंड में खर्च किया करते थे। ये सब पाब्लो से रिलेटेड ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा कॉमन है, और तुम सब में से बहुत सारे लोग इन सब चीजों को ऑलरेडी जानते होंगे। बट देयर इज अ इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट पाब्लो, जैसे मैं बोल रहा था कि पाब्लो ने बहुत सारे पैसे अपने डेथ से पहले छुपा दिए थे। ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने अप्रॉक्स $500 billion छुपा दिए थे, और अभी तक लाइक 2022 तक सिर्फ उसमें से $18 बिलियन ही पाया गया है।
तो सवाल ये है कि पाब्लो के बाकी के पैसे कहां पर है? सो पाब्लो की जो पहली प्रॉपर्टी थी वो लिक्विड एसेट्स थी, फॉर एग्जांपल कार, मैंशन, क्लोथ्स और भी उनके फिजिकल आइटम्स। सो पैसों की सेकंड कैटेगरी, जितने भी पैसे उन्होंने छुपा रखे थे अंडरग्राउंड में, केव में, वॉल्स में एक्सेट्रा। एंड थर्ड कैटेगरी वाज बैंक, जहां पे उनके उतने ज्यादा पैसे नहीं थे, वो बैंक में अपने लाइक टोटल पैसों से बहुत कम पैसे रखा करते थे। सो पाब्लो के डेथ के बाद पाब्लो का जो ड्रग एम्पायर था वो फॉल हो गया, एंड सरप्राइजिंगली उनकी फैमिली को उतना ज्यादा वेल्थ नहीं मिला जितना पाब्लो के पास वेल्थ बताया जाता था। और सरप्राइजिंगली पाब्लो ने कोई भी डॉक्यूमेंट और कोई भी विल अपने फैमिली के नाम पे नहीं छोड़ा था। और एक टाइम ऐसा आ गया था जब पाब्लो की फैमिली के लिए जो पैसे थे वो रन आउट हो रहे थे। सो हियर कम्स द सेकंड कैटेगरी ऑफ पाब्लोस मनी। जैसा मैंने बोला, पाब्लो ने बिलियन ऑफ डॉलर कोलंबिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में छुपा दिया था। सो इन पैसों का कोई भी ट्रेस नहीं था, ये कोलंबिया में कहां पे छुपाया गया है, कौन से बंकर्स में रखा गया है। और पाब्लो की ये भी आदत थी कि जो भी बंदा उन पैसों को छुपाने जाता था, पाब्लो उसको मार दिया करते थे। सो इस पॉइंट तक किसी को ये पता नहीं था कि 500 बिलियन डॉलर अप्रॉक्स जो बताया जा रहा है वो कोलंबिया में कहां पे छुपाया हुआ है। नवंबर 1989, और इस टाइम पे पाब्लो एस्कोबार जो थे वो अलाइव थे। किसी बंदे ने बाय मिस्टेक 5.3 मिलियन डॉलर जमीन के नीचे से खुदाई करके निकाल लिया। उसके ठीक एक साल बाद एक और बंदे ने 26 मिलियन डॉलर जमीन के नीचे से कलेक्ट किया। पैसों के साथ साथ उसे 150 केजी सोना भी वहां पे मिला। 20 साल बाद इन ईयर 2009 एक बंदे को जमीन के अंदर से खुदाई करने के बाद 6 मिलियन डॉलर मिला, जो अगेन पाब्लो ने जमीन के अंदर गाड़ रखा था। एंड अगेन उसी साल एक और बंदे को जमीन के नीचे से 10 मिलियन डॉलर मिला। और उसके बाद एक 65 साल का फार्मर जो अपने फार्म पे खेती कर रहा था, जब उसने खुदाई करना स्टार्ट किया तो उसे अपने फार्म पे, उसकी जमीन पे 600 मिलियन डॉलर मिले, जो बहुत सारे कंटेनर्स में गाड़े हुए थे जमीन के अंदर। और उस फार्मर ने सरप्राइजिंगली पूरे पैसे पुलिस को दे दिए। और सबसे रिसेंट डिस्कवरी तब हुई जब पाब्लो एस्कोबार के नेफ्यू को उन्हीं के घर में, जो पाब्लो एस्कोबार ने बना रखा था, वहां पे 18 मिलियन डॉलर वॉल में हाइड किए हुए मिले। रिबर्टो सेंडोया, जो कि एक ट्रेजर हंटर है, एंड सरप्राइजिंगली रोबर्टो अपने आप को पाब्लो एस्कोबार के सीक्रेट सन बताते हैं, जिसके बारे में पाब्लो ने रिवील नहीं किया था। सो रोबर्टो ने अब अपने फादर के बिलियन डॉलर जो उन्होंने कोलंबिया में डिफरेंट प्लेसेस में छुपा रखे हैं, उसे ढूंढने की जिम्मेदारी अब अपने सर के ऊपर ले ली है। सो उन्होंने अपनी लाइफ यूके में स्पेंड की, क्योंकि पाब्लो के जो राइवल्स थे उनको इनके बारे में पता चल गया था, और इनसे बचने के लिए उन्होंने अपनी जो लाइफ है वो यूके में काटी। और यहाँ पे एक बहुत ही सरप्राइजिंग ट्विस्ट आता है। जिस बंदे ने रोबर्टो को रेस किया था वो एक MIA एजेंट था, और जब वो बंदा मरने वाला था तो उसने रोबर्टो को एक कोड से भरा हुआ नोट हैंड ओवर किया। और ये बताया जाता है कि उस नोट में कुछ ऐसे कोड लिखे हुए हैं, कुछ ऐसे सीक्रेट नंबर्स लिखे हुए हैं जो पाब्लो एस्कोबार के हिडन पैसों तक का रास्ता बता सकता है। और तब से रोबर्टो जो है वो इन पैसों को ढूंढने के मिशन में लग चुके हैं। और ये भी बोला जाता है कि इस पेपर में जो कोड लिखा हुआ है, इसके थ्रू कुछ डिस्कवरीज ऑलरेडी हो चुकी है। सो अभी भी कोलंबिया में बिलियन ऑफ डॉलर्स जमीन के नीचे, जंगल में, दीवालों में गाड़ा हुआ है। सो लोग जो है उनके ऊपर से गुजर रहे हैं, बहुत सारे लोग घर में भी रह रहे हैं जिस घर के दीवालों में वो पैसा गड़ा हो सकता है, और लोगों को इसके बारे में आइडिया ही नहीं है। सो लेट्स सी, क्या रोबर्टो पाब्लो के इन हिडन पैसों को ढूंढ पाते हैं, या फिर फ्यूचर में कोलंबिया में रहने वाले कॉमन लोग इन पैसों को डिस्कवर करते हैं। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द स्टोरी ऑफ द बिगेस्ट ड्रग माफिया एवर बॉर्न, पाब्लो एस्कोबार। और उसके साथ साथ मैंने कुछ लेस नोन फैक्ट्स भी बता दिए तुम लोगों के लिए इस वीडियो में। तो जितनी भी मेरी ऑडियंस है, या बेसिकली जितनी हिप हॉप ऑडियंस है, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि पाब्लो जो नाम है वो इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है, क्यों उनका नेम जो है वो बार बार ड्रॉप किया जाता है, और क्यों उनके नाम से इतने सारे गाने रिलीज हो चुके हैं। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। अगर तुम इस वीडियो में एंटरटेन हुए, कुछ तुम्हें सीखने को मिला, डू लेट मी नो इन द कमेंट। तुम चैनल पे पहली बार आए हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। को पहले से भी देख रहे हो तो सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई को सपोर्ट करो। और हाँ, बीच बीच में मैं ऐसे लाइक थोड़ा सा हिप हॉप से डिफरेंट टॉपिक पे कॉन्टेंट भी लेके आता रहूंगा, बट हिप हॉप पे भी कॉन्टेंट आएगा, ठीक है। तो ऐसे वीडियोज को भी सपोर्ट करना, इसमें भी प्यार दिखाना, जैसे तुम बाकी वीडियोज में प्यार दिखाते हो, ठीक है। सो बाकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, हर दूसरे चैनल पे तुम सब्सक्राइब कर सकते हो, सपोर्ट दिखा सकते हो, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक्स अगेन।